हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजी मॉम्स किचन। आज मैं एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल करीब सूजी ली है, इसको एक बाउल में डालेंगे। और यहाँ पर मैंने ये पैकेट वाला कर्ड लिया है जो कि खट्टा होना चाहिए। अगर आपके पास खट्टा कर्ड नहीं है तो आप क्या करें कि 1 घंटे पहले इसमें नमक मिला करके रख दें, ठीक है? क्योंकि मेरा यहाँ पर खट्टा कर्ड है तो मुझे इसमें नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जो मैंने ये 1/2 बाउल कर्ड लिया हुआ है तो ये 1 बाउल सूजी होना चाहिए। ये मैं उत्तपम बनाने जा रही हूँ आपके साथ, तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये मैंने 1/2 बाउल कर्ड लिया है और 1 बाउल इसी से सूजी मैंने ली है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमें यहाँ पानी नहीं डालना है। ये इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे हॉट वाटर चाहिए हल्का सा, ये जो कि मैंने ऑलरेडी इसको गर्म करके रखा हुआ है। इसको मैं धीरे धीरे इसमें मिक्स करूँगी। मुझे एक बैटर तैयार करना है इसका पतला सा। ये देखिए, इसको चलाते हुए अच्छे से घुमाते हुए इसका एक बैटर तैयार करना है और फिर मुझे इसको 20 मिनट से करीब रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, अभी मुझे ये मिक्सचर रेडी करना है और मुझे इसको कवर करके 20 मिनट्स के लिए मैं इसको रख दूंगी। तो चलिए 20 मिनट्स बाद आपके साथ मिलती हूँ। 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं आइए चेक करती हूँ कि हमारा बैटर कैसा हुआ। ये देखिए, सूजी जो थी हमारी वो फूल चुकी है। अभी इसमें हम अपने ये जो मैंने वेज कट करके रखे हुए ये इनको मिक्स करेंगे। तो ये मैंने करीब 2 अनियन लिए हुए हैं, ये साइज है, इनमें 2 अनियन लिए हुए। ये मैंने 1 टोमेटो लिया हुआ है। अगर जो 2 अनियन लेंगे तो 1 टोमेटो लेंगे। तो चलिए मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। अभी 1/2 इसमें अनियन मिक्स करूँगी, जो मैंने कट करा है उसका 1/2। और थोड़ा ही इसमें टोमेटो, और इसको इसमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इसके बाद ये देखिए जो मैंने यहाँ पर गर्म करके पानी रखा हुआ था इसमें धीरे धीरे मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी गाढ़ा हो चुका है इसलिए मुझे इसका पतला बैटर तैयार करना है। ये चलाते हुए इसमें हम पानी मिलाते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे। ये देखिए, मुझे ऐसा बैटर चाहिए। ये अभी इसमें अपनी जो मैंने 2 कट करके चिली रखी है, ग्रीन चिली, वो मैं इसमें मिलाऊंगी। क्योंकि साल्ट मैंने इसलिए पहले नहीं डाला था क्योंकि ये गाढ़ा होना था मिक्सर, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता कि कितना इसमें नमक मिलाएं, इसलिए इसमें अब नमक मिलाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये मेरा रेडी हो गया उत्तपम के लिए। अभी हम यहाँ एक नॉन स्टिक तवा रखेंगे, आप पैन भी रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे नॉन स्टिक तवा है। अगर जो आपके पास पैन या तवा नहीं है नॉन स्टिक, तो आप क्या करें, लोहे की कढ़ाई में इस तरह का प्याज लें, 1/2 इसको कट करें और इसको 2-3 बार ऐसे उसमें तवे में चला दें, आपका नॉन स्टिक तवा बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास नॉन स्टिक रेडी है तो मैं इसमें उतना बैटर डालती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया हुआ है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। यहाँ मैं इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही स्प्रेड करना है इसमें।
अभी मैंने जो ये रेडी किया हुआ है इसमें मैं अपना ऐसे डालूंगी, ये इस तरह से फैलाते हुए इसको डालना है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है सूजी का उत्तपम। आप बना करके देखिएगा, आप बार बार बनाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जब तक ये पक रहा है तब तक आप मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको नीचे की साइड में इसको पक जाने दीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ये पका। ये देख सकते हैं मेरा इस तरह से ऊपर हो गई है लेयर। अब इसमें मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसको पहले मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फिर लो फ्लेम कर देना है। ये देखिए, इसको धीरे धीरे ऐसे स्प्रेड कर देना है ऑयल को। आइए चेक करते हैं। ये देखिए, इसको धीरे से ऐसे पलट देंगे। ये मैंने इसको पलट दिया है और गैस को अभी मैं ऑफ कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड इस तरह से। अभी मैं इसमें अपना मेयोनीज लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा इसमें स्प्रेड करके ऐसे लगाना है। जी, पूरा ऐसे स्प्रेड कर देंगे। फिर ये मैंने कुछ चीज लिया हुआ है, आप कोई सा भी चीज ले सकते हैं। मैंने अमूल चीज को ग्रेट करके रखा हुआ है। जी, इस तरह से इसमें हम अच्छे से इसको फैला देंगे। फिर इसमें मैं अनियन डालूंगी, जो मैंने छोटे छोटे पीसेज में बचा करके रखे थे। ये थोड़ा टोमेटो रख, ये जो मैंने कट करके रखा है इसको ऐसे लगा दूंगी ऐसे। ये और ग्रीन चिली भी थोड़ी डाल देंगे। अगर जो बच्चों को दे रहे हैं तो आप कम स्पाइसी बनाइए, अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें रेड चिली भी डाल सकते हैं। ये और इसके ऊपर से फिर मैं अपना ये चीज़ स्प्रेड कर दूंगी। आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं जो यहाँ मैंने क्यूमिन सीड्स जो रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखा हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। ये इस तरह से, इसकी खुशबू से बहुत अच्छा होता है। ये इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। ये मैंने ऑफ किया था, इसका ऑन कर देंगे गैस को और लो फ्लेम पर इसको कवर करके इस तरह से धीरे धीरे पकने देंगे। आइए चेक करते हैं कि मेरा उत्तपम बना कि नहीं। वाओ, ये देखिए मेरी चीज़ स्प्रेड हो चुकी है और ये भी देखिए नीचे कितना करारा हो चुका है, क्रिस्पी। ये देखिए, इसको एक प्लेट पर निकाल के आपको दिखाते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ये थोड़ा मैंने सॉस लिया है,
इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें इसके साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अभी आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं या थोड़ा सा ये जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए मेरी रेसिपी, अगर जो आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरे नए नए वीडियोस आपके पास आने के लिए मेरे इस आइकॉन बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।